नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 111 में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश में कोरोना का कहर जारी है। आज लॉकडाउन का 55 दिन हो गए। लॉकडाउन के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, स्कूल कॉलेज बड़े बड़े संस्थान उद्योग सब स्थिर हो गए हैं। लेकिन इसी बीच प्रेम करने वाले दो दिल एक होने से भला कैसे रुकते। सरकार के आदेश एवं सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए दोनों प्रेमी आज एक बंधन में जुड़ गए। आपको बता दें कि गया जिला के मंगला गौरी मंदिर में आज एक युगल जोड़ी ने शादी संपन्न हुई, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि दोनों कोचिंग में क्लास करते थे और दोनों इस बीच 6 साल पूर्व भी प्रेम प्रसंग चल रहा था। अभिभावकों की मर्जी से यह शादी संपन्न हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दोनों तरफ से 10 लोग से अधिक नहीं आए थे, अर्थात परिवार की भी संख्या कम थी और दोनों प्रेमी एक दूसरे के बंधन में सदा के लिए बंध गए। शादी करने वाले जोड़ों में गया जिला के कोतवाली थाना क्षेत्र के झीलगंज मोहल्ले के रहने वाले दीपा कुमारी कैसे हुआ था? पहले मुलाकात कहाँ हुआ था? क्लास जाते हैं तुम? क्लास जाते रमना तो क्या कर रहे हैं? रमना रमना तो क्या दोनों साथ में पढ़ाए थे? नहीं तो? बोलिए बोलिए। नहीं, पढ़ाई साथ नहीं करते। दोनों से मुलाकात की थी? पहले मुलाकात कहाँ हुई थी? इतने प्यारे तो ना आगे तक बढ़ा सेट लग रही थी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग लेकर चल रहे हैं। हमारे अदर का शादी करेंगे। क्लास कोचिंग में मेरा 6 साल हो गए। इंटर कास्ट हम लोग दोनों के फैमिली की मर्जी से? हाँ, दोनों फैमिली की मर्जी से होगा। क्या नाम है आपका? मेरा रितेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? सिलेघाट सिनेमा चौक। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 111 के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।